रीवा में डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है कांग्रेस। पार्टी से नाराज मुस्लिम नेता को पकड़ाया गया प्रदेश सचिव के पद का झुंझुना। एक दिन पूर्व ही मुस्लिम नेता ने कांग्रेस नेताओं सहित पार्टी पर लगाए थे गंभीर आरोप। मुस्लिमों को नजरअंदाज करने व यूज करने का लगाया गया था आरोप। कांग्रेस से मोह भंग होने की मुस्लिम नेता ने कही थी बात। समाजवादी पार्टी से टिकट लेने की कर ली थी पूरी तैयारी। बगावत की चेतावनी देते ही नाराज नेता को कांग्रेस ने मनाया। जानिए आखिर क्या थी मुस्लिम नेता की नाराजगी की वजह। आखिर एक ही दिन में कैसे नेताजी ने मारी है पलटी, देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक पार्टियों में विरोध, बगावत, आरोप प्रत्यारोप और दल बदल के साथ साथ मान मनोबल का दौर बदस्तूर जारी है। प्रदेश भर की तर्ज पर रीवा में भी कांग्रेस के भीतर विरोध, बगावत, दल बदल और आरोप प्रत्यारोप देखने को लगातार मिल रहा है। इसी बीच अब कांग्रेस ने मान मनोबल का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। चुनाव के मौसम में नेताओं को पार्टियों के द्वारा ठीक उन बच्चों की तरह मनाया जा रहा है जब बचपन में बच्चे किसी खिलौने की जिद कर रोने लगते हैं, और जब रो रहे बच्चे को एक झुनझुना दे दिया जाता है तो वह फिर से हंसने लगता है। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों नेताओं का है। रीवा में एक दिन पूर्व ही कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष रहे मुस्लिम नेता अब्दुल शहीद मिस्त्री ने दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर कांग्रेस में खलबली मचा दी। देखिए क्या है कि हमारी बात चल रही है समाजवादी पार्टी से, और हो सकता है अभी हम परसों गए थे लखनऊ, कल लौटे हैं, हो सकता है आज रात में या कल फिर चले जाए। मेरी बात 99 फाइनल है और मैं समाजवादी से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने न सिर्फ चुनाव लड़ने का ऐलान किया बल्कि कांग्रेस नेताओं सहित पार्टी पर नजरअंदाज करने व चुनाव के वक्त मुस्लिम नेताओं को यूज करने का भी आरोप लगाया। यहाँ के जो हमारे कांग्रेस कई नेता हैं, वो लोग जो है हमको निगलेक्ट करते रहे, उसके बाद भी हम कांग्रेस के बाद बाबा भाई जो है एक साल के अंदर ऐसा पलटी खाए, ऐसा बदल गए कि मतलब अपने कांग्रेस के किसी कार्यकर्ताओं का कोई भी काम हो, चाहे वो सामाजिक हो चाहे उनका व्यक्तिगत हो, कोई काम नहीं हो रहा, तारीख पे तारीख दे रहे। मुस्लिम नेता ने तो यह तक कह डाला कि अब उनका कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। हम कांग्रेस में, मेरा मोह भंग हो गया है, हम कांग्रेस में नहीं आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। हम जब अभी जो है 2.5 महीना पहले जो है इस्तीफा दिए कांग्रेस से, मतलब जैसे क्या होता है कि दूध में अगर मक्खी गिर जाती तो मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, उस तरीके कांग्रेस पार्टी अपने यहाँ शहर में लोगों के साथ कर रही है। मेरे साथ जो हम भुक्तभोगी हैं, मेरे साथ हुआ है। अब चुनाव का टाइम आ गया, शर्मा जी को टिकट मिल गई, शर्मा जी हमको फोन लगा रहे हैं, अपने आदमियों को भेज रहे हैं, मना रहे हैं हमको। हम भाई अब हमारा कांग्रेस से मोह भंग हो गया। आज तक हमको यूज किया जा रहा था, महापौर में यूज किया गया, उसके बाद हमको कोई भी कोई चीज हमको नहीं मिली, ना मेरे किसी कोई भी समाज का कोई काम नहीं हुआ। जो समाज का काम के लिए गए उसमें हमको तारीख मिली और कुछ। इस तरह के तमाम गंभीर आरोप लगाने के बाद अब्दुल शहीद मिस्त्री दूसरे ही दिन एक बार फिर से कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। दरअसल कांग्रेस ने न सिर्फ नाराज नेता अब्दुल शहीद मिस्त्री को मनाया बल्कि उन्हें प्रदेश सचिव का पद भी दिया, जिसके बाद सारी नाराजगी एक ही पल में दूर हो गई। आपको बता दें कि अब्दुल शहीद मिस्त्री कांग्रेस पार्टी के एक कर्मठ और जुझारू नेता है और वह तकरीबन 25 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन बीते कुछ दिनों स्थानीय कांग्रेस नेताओं के द्वारा नजरअंदाज करने से उन्होंने ठीक 2.5 माह पूर्व ही सोशल मीडिया के माध्यम से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था, और अब वह विधानसभा चुनाव में दूसरे दल से चुनाव लड़ने की तैयारी में भी थे। शहीद मिस्त्री ने यह बात खुद बताई कि वह समाजवादी पार्टी के संपर्क में है और 99% उनकी टिकट भी फाइनल है।
मुस्लिम नेता ने जिस अंदाज में चुनाव लड़ने का ऐलान किया और जिस तरह से अपने साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा किए गए बर्ताव का आरोप लगाया, उसे सुनकर यही लग रहा था कि अब्दुल शहीद मिस्त्री के साथ वाकई गलत हुआ है और उनका कांग्रेस से बगावत करना भी लाजिमी है। लेकिन 24 घंटे के भीतर अब्दुल शहीद मिस्त्री ने ऐसी पलटी मारी कि वह अपने साथ हुए बर्ताव को भूलकर एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस के प्रदेश सचिव के पद पर भी सवार हो गए और कांग्रेस में वापसी की वजह शीर्ष नेताओं के द्वारा फोन कर उन्हें मनाने की बात कही। आपको बता दें कि यह सारा घटनाक्रम महज वोट बैंक को साधने के लिए चला, जिसमें नेताजी को पद तो मिल गया, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या नेताजी के कहने पर उनका समाज वोट करेगा या फिर नहीं। बहरहाल अब देखना होगा कि इस अब्दुल शहीद मिस्त्री की कांग्रेस में वापसी के बाद कांग्रेस को कितना और क्या फायदा होता है। उसके बाद भाई मैंने हम किसी पार्टी में अन्य पार्टी में जाने का मेरा कोई निर्णय नहीं ये हम कि हम किसी पार्टी में जाए। उसके बाद रीवा में आने वाला विधानसभा चुनाव हमको पता चला फेसबुक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि हमारे आदरणीय इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी जिला अध्यक्ष का टिकट फाइनल हो गया। उसके बाद हम पार्टी से इस्तीफा दिए हुए थे, उसके बाद हम जो है घर में थे। उसके बाद मेरे पास फोन आया, आदरणीय शर्मा जी का आया, लखनलाल जी का आया, उर्मी सिंह मंगू जी का भी आया और हम आप लोगों की बात वो नजरअंदाज कर दिए, बात बिल्कुल नहीं मान। फिर उसके बाद जो है हमें ऊपर से भी काफी फोन आए और फोन आने के बाद हमारी बात जो है प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी से भी फोन द्वारा रिगार्डिंग है, मेरे पास इंदिरा सिंह राजा साहब से भी रिगार्डिंग है मेरे पास। अब बताइए, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता, मेरे ब्लड में कांग्रेस का खून। और उसके बाद बताइए हमको राहुल गांधी जी का फोन आ जाए, मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी का फोन आ जाए तो मैं क्या करूंगा। मेरा मन था तो चुनाव लड़ने का, चाहे हमको टिकट किसी भी दल से मिले या निर्दलीय लड़ने का बिल्कुल मन बना लिया, लेकिन मंजूरी बस क्योंकि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता और हमको हमारे राष्ट्रीय नेता बताइए हमको फोन कर रहे हैं, उनके कहने में हम आज कांग्रेस में वापसी की है। और मैं एक निष्ठावान पंडित श्रीनिवास तिवारी का चेला हूँ और कभी कभी हमको गुस्सा भी चुनकिया, इसलिए गुस्सा आती है कि मेरा जो कोई काम है पर्सनल काम नहीं कह रहा हूँ, 45 बार की जनता की बात मैं कर रहा हूँ। 45 लाख की जनता जब आती है मेरे पास, शहीद भाई आप तो बड़ा कह रहे थे कि हम लड़ रहे हैं चुनाव, आप हमें वोट दिए, जो बाढ़ का काम होगा हम निराकरण करेंगे। थोड़ी सी हमारी नाराजगी जो है माफ और इसकी वो भी अब ठीक हो गई है और हम लोग कांग्रेस में रह के और कांग्रेस का पूरा हमारे प्रत्याशी इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी है, उनको हम लोग पूरी दिन रात मेहनत करके हम शर्मा जी को जो है विजय बनाएंगे और कांग्रेस की निष्ठावान काम करते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।